नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूँ आपके साथ राजीव। इस समय है ठटिया मंडी में। अभी की अगर बात की जाए किसान भाइयों, ठटिया मंडी में आज आप लोग ट्राली देख सकते हैं। अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा आलू की ट्राली देखी होंगी, लेकिन मंडी में अगर बात की जाए तो धान खरीद चालू हो चुकी है। दुकान नंबर 10 पे है, आज शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ आरती महोदय वेद भैया भी है। अगर देखा जाए तो भैया क्या ट्राली दिखा दीजिए। देखिए दो ट्राली है और दोनों ट्रालियों में किसान भाइयों ये धान भरा हुआ है। अभी तक आप लोग देखते थे कि ठटिया मंडी में आलू की जो बिक्री होती थी क्रय विक्रय का कार्य होता था, इस बार जो है धान की भी खरीद कहीं ना कहीं होने लगी है। तो बातचीत करेंगे मंडी में किस तरीके की खरीद होती है, कौन कौन सी फसलों की खरीद चालू होगी। तो हमारे साथ आरती महोदय हैं। भैया आज की अगर बात की जाए, हम लोग लगातार मंडी में अपडेट देते रहे, तो पहले आलू अपने यहाँ बिकता था मंडी में, अभी की स्थिति में कौन कौन सी फसलों की खरीद यहाँ पे चालू हो गई है? अब ये आलू, पहले तो आलू के लिए विशिष्ट आलू मंडी हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार ने कहा कि किसानों की आय को किस प्रकार से दोगुना करेंगे, तो उनको जगह जगह पर बहुत अच्छी मंडियां चाहिए और मंडियों के लिए तो इसकी आलू की विशिष्टता को खत्म करते हुए इसको जिंस मंडी में परिवर्तित किया गया। जब जिंस मंडी में परिवर्तित किया गया, हमारे क्षेत्र की मांग थी, हमारे पूरे क्षेत्र की आम किसान की मांग थी, तो जिंस मंडी में जब परिवर्तित हुआ तो जितना यहाँ पर आलू होता है उतनी यहाँ पर मक्का होती है, उससे ज्यादा यहाँ पर धान होती है, उससे ज्यादा यहाँ पर गेहूं होता है, अन्य अन्य फसलें हमारे क्षेत्र में होती हैं। और उन फसलों के माध्यम से आज सर्वप्रथम दुकान नंबर 10 पर यह काम, हमने धान की खरीद का काम प्रारंभ कर दिया है और जिसमें क्षेत्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। क्षेत्रवासी बड़े किसान हमारे उत्साहित हैं कि अब हमें दूर अपने माल को बेचने नहीं जाना पड़ेगा, हमारे खेत के किनारे हमारे आसपास ही हमें उचित रेट पर यही हमारी फसल की बिक्री हो जाएगी, इसलिए क्षेत्र में बड़ा उत्साह है जी। तो भैया की दुकान नंबर 10 पे शुभारंभ हो चुका है। अगर मान लीजिए कई भी फसलें होती है, जैसे गेहूं है, धान है, मूंगफली है, इसका सारी फसलों की खरीद अभी चालू होगी कि अभी धान की शुरुआत हुई है? अभी धान की शुरुआत हुई है, क्योंकि शुरुआत तो किसी एक काम से होती है, लेकिन जिंस मंडी हो गई है। जिंस मंडी इसमें लगभग 55 से 56 फसलें ऐसी हैं जो यहाँ पर सब्जियों से लेकर के फल से लेकर के सारी चीजें यहाँ पर बिकने के लिए पहले फाइनल हो चुका है और बिकेगी। ये बहुत बड़ी देश की मंडी बनने वाली है और यह देश की मंडी इसलिए बनेगी कि यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बिकेंगी। देखिए सामने अगर देखेंगे तो कई दुकानें भी बन रही है, निर्माणाधीन कार्य भी चल रहा है, टीन सेट भी पड़ चुके हैं। तो भैया अभी की अगर बात की जाए तो आज अपने यहाँ ये कौन से वैरायटी का धान था और क्या रेट में अभी खरीदा गया है? ये 1509 धान है और इसकी आज की खरीद हमने 2400 रुपए में की है। राम सेवक गुरौली के निवासी हैं और किसान हैं, इनकी धान को हमने लिया है और आज हम प्रारंभ राम सेवक के द्वारा कर रहे हैं। कितने खुशी की बात है, आप दो लोग हमारे पास में आए और दोनों एक ही उसके लोग हैं, किसान हैं, असली किसान हैं। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है, एक आदमी अगर दक्षिण से आया तो एक आदमी पूरब से आया, इसका मतलब चारों तरफ हमारे दुकान की ख्याति बन रही है। और उसी सिलसिले में हमारे पास दो किसान आए, आज से हम उसका प्रारंभ। नेता जी अपना थोड़ा कॉन्टेक्ट नंबर बता, संपर्क करना चाहते तो अपना नंबर भी बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7905177425। ये नेताजी हैं, नेताजी एफपीओ से जुड़े हुए किसान हैं, कहीं ना कहीं किसानों की भी मदद लगातार करते रहते हैं। दो किसान भाई हैं, भैया लोग लाए हैं। तो भैया अपना गुरौली गांव पड़ता है जी सर, अपना कितना पैकेट लाए हैं आज धान? आज पहले दिन उद्घाटन हुआ है जी, सुबह से हमने ऐलान सुना था जी, तो हमने सोचा कि हमारे पंडित जी की दुकान का उद्घाटन है, बिल्कुल। तो हमने अपने दोस्ती में सबसे पहले अपनी दुकान पे मैं आया, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और धान कर रहे हैं। आप ये जी मान लीजिए आपके लोकल में मंडी गुरौली तो यहाँ 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, आप ये आप खुल गई तो आप लोगों को फायदा है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल फायदा है, हमें हमारा किराया बचेगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भैया नेताजी से भी बातचीत करेंगे, तो नेताजी अगर बात की जाए तो इस मंडी का श्रेय किसको जाता? देखिए अभी तक की तो इसको मानेंगे तो हम लोग आलू मंडी के नाम से जानते थे, अब ये कहीं ना कहीं धान गेहूँ सारी चीजों की खरीद होगी, तो इसमें किसका श्रेय जाता है मंडी की डेवलप भी? इस मंडी में जिंस मंडी में परिवर्तित करने का अगर और इसके निर्माण का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आदरणीय असीम अरुण जी, उनका पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको लक्कर के जिंस मंडी करवाया ताकि हमारे क्षेत्र के किसान इधर उधर कहीं ना भटके और उनके द्वारा उपज हमारे मंडी में ही बिके, हमारे जिले के अंदर बिके। हमको मैनपुरी जाना पड़ता था, हमको सुदूर जाना पड़ता था, उचित रेट नहीं मिलते थे, पैसे का भी घपला होता था, आज उन सब चीजों से निजात मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ा असर किसी का सहयोग है जनप्रतिनिधियों में तो माननीय असीम अरुण जी का सहयोग है, जिनके द्वारा आज हमको ये उपलब्धि दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये किसान भाइयों अपडेट आप लोगों को हमने दिखाया ठटिया मंडी से। अब किसान भाई जो भी मान लीजिए आने जैसे गेहूं है, धान है, कोई भी फसल है, तो उसका क्रय विक्रय आप लोग ठटिया मंडी में आके कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग आलू का करते रहे। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। जय जवान, जय किसान।